हेलो गाइस, आज मैं आपको रीजनिंग वर्बल से चैप्टर 1 घन घनाभ के बारे में बताऊंगा। इसका जो कि यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 को नहीं देखा था, एक बार जाकर देख सकते हैं। यह एकदम मैं इसको इसके क्वेश्चन एकदम बेसिक से शॉर्ट ट्रिक के साथ चलेंगे। ये आपको जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपका SSC, CGL, CHSL, CPU, MT, SGD एंड आर्मी आर अदर एग्जाम में सेट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। जैसे कुछ इस टाइप से इसका प्रश्न रहेगा, जैसे 6 सेंटीमीटर घन को पीले, लाल और नौरंगी रंग से विपरीत दिशा में चित्रित किया जाता है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है। घन की संख्या ज्ञात करें जिसमें 2 सतह चित्रित है। मैन आपको इसको ध्यान देना है, 2 सतह चित्रित है। इस टाइप से इसमें प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को बताने से पहले इसके एकदम सूत्र को बता देता हूँ, किस सूत्र से कौन सा आपका आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे 1 सेंटीमीटर घन को लाल, हरे और काले विपरीत रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है। घन की संख्या ज्ञात करें, घन की संख्या ज्ञात करना है, बताना है। जैसे आपका हो गया नीला, तो नीला विपरीत माने इस तरफ नीला होगा। लाल, लाल है तो ये वाला लाल है तो नीचे की तरफ आपका लाल, ये आपका विपरीत हो जाता है। इस टाइप से विपरीत में हो जाता है आपका। इसमें आपका पहला कुछ इस टाइप से प्रश्न पूछेगा, जैसे 1 सतह से लाल रंग से रंगी हुई है। इस टाइप से अगर प्रश्न पूछेगा तो इसका जो कि आपको 2x-2 का स्क्वायर, इसको इस सूत्र से हल करेंगे। 2 सतह से लाल और हरे रंग से रंगी गई है। इस तरफ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 2 सतह पूछा गया है, कितना सतह, 2 सतह, माने 2 सतह विपरीत में हो जाए आपका 4 हो जाएगा। 4 करेंगे, x-2 आपको इस सूत्र से हल करेंगे। 3 सतह से रंगी हुई, इसका सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा 8, इसका 8 ही रहेगा हर कहीं पर भी पूछे इसमें घन घनाभ में। 0 सतह से रंगी हुई पूछेगा तो आपको x-2 का क्यूब हो जाएगा 3। घन की संख्या पूछेगा तो x का 3 करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, 10 सेंटीमीटर घन को काले रंग से रंगा जाता है, फिर 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है। घन की संख्या ज्ञात करें जिसमें 1 सतह चित्रित है। इसमें क्या पूछा है, 1 सतह चित्रित है, 1 सतह चित्रित है। 1 सतह चित्रित की मैंने क्या कौन सा सूत्र बताया था उसको रखना है और ये हल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हल कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है, तो 10 सेंटीमीटर घन को कितने घन में, 2 सेंटीमीटर, इसको करेंगे 2 से भागित करेंगे तो आपको आ जाएगा 5। अब इसको हल करेंगे। सूत्र आपको क्या बताया था, 1 सतह चित्रित का 6x-2 का स्क्वायर, इसमें आप लोग रखेंगे एक्स का मान आप में रखेंगे 5। 5 क्यों रखेंगे, क्योंकि जो कि 10 सेंटीमीटर घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े में काटा जाता है, तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो आपका जो कि हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक्स के स्थान में लेंगे 5, 5-2 का स्क्वायर 6, फिर 5 में 2 माइनस करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका जो कि हो जाएगा 9 हो जाएगा। जैसे 5 में 2 माइनस करेंगे आपका 3 हो जाएगा। 3 को दो बार गुणा करेंगे तो आपका जो कि 9 हो जाएगा। 9 को मैंने यहाँ पर लिखा है, यही है। तो 6 को 9 से गुणा करेंगे तो आपका जो कि हो जाएगा 54, आपका जो कि हो जाएगा 1 सतह चित्रित वाले कितने हैं,
54 है घन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 18 सेंटीमीटर घन को पीले रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 3 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है, घन की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दो सतह चित्रित है। इसमें मेन इसको ध्यान देने, कितने सतह चित्रित हैं, दो सतह। इसको हल करेंगे तो आपका 18 सेंटीमीटर को कितने सेंटीमीटर से काटा गया है, 3 सेंटीमीटर से। तो 18 शुरू लिखेंगे, 18 को 3 से भाग देंगे तो आपका जो कि हो जाएगा 6। से पहले इसको हल करेंगे, 18 को 3 से भाग देंगे फिर आपका 6 आ गया। फिर आपका दो सतह चित्रित का आपका सूत्र हो जाता है 12x माइनस दो। इसमें रखेंगे तो 12 का 12 रहेगा, x के स्थान में आपको 6 को लेंगे, 6 माइनस 2, फिर 6 में 2 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, और 12 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 चौक 48। आपका जो कि दो सतह चित्रित में आपका कितना आपका घन होगा, 48। स्टेप से इसके क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर चौथा, 5 सेंटीमीटर घर को पीले नीले और नवरंगी रंग से विपरीत दिशा में चित्रित किया जाता है, फिर 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है, घन की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक सतह पीले रंग से रंगी हुई है। कितना, एक सतह पीले रंग से रंगी हुई है, मेन इसको ध्यान देना, कितने सतह, एक सतह पीले रंग से रंगी हुई है। दो, एक्स माइनस दो का स्क्वायर, ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र से हम इसको हल करेंगे। जैसे दो का दो ही रहेगा, एक्स के स्थान पर आपको लेना है 5 को, क्योंकि 5 को पूछा गया है, तो 5 में 2 माइनस करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, 5 में 2 माइनस करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, और 2 का 2 रहेगा, फिर यहाँ पर 2, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, फिर उसको गुणा करेंगे तो 2 को 9 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 × 18। आपका जो कि जिसमें केवल एक सतह पीली रंग से रंगी है, उतना कितने संख्या है, 18 संख्या है घन में, 5 सेंटीमीटर घन में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पांचवा, 6 सेंटीमीटर घन को सफ़ेद लाल और नवरंगी रंग से विपरीत दिशा में चित्रित किया जाता है, इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है, घन की संख्या ज्ञात करें जिसमें दो सतह चित्रित सफ़ेद और लाल रंग से रंगी हुई है। इसमें क्या पूछा है, दो सतह चित्रित पूछा गया है। तो इसका जो कि आपका सूत्र होता है 4x माइनस 2, इसमें आपको रखना है, 4 का 4 ही रहेगा, x के स्थान पर आपको लेना है 6 को लेंगे, फिर आपका 2, 6 में आपको 2 को माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 4, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 16। आपका जो कि आंसर हो जाएगा 16। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मेरे इस यूट्यूब चैनल को एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।